चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। मैं आज मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर में। यहां आज हम बात करेंगे क्षेत्र के प्रमुख समाज सेवी श्री महाराज सिंह चौहान जी से, जो सामाजिक संस्था उत्तरी देवधाम जन कल्याण समिति के संस्थापक अध्यक्ष हैं, और वो इस समिति के माध्यम से समाज सेवा का बीड़ा उठाए हुए हैं। तो बात करते हैं हम महाराज सिंह जी से, उनका क्या कहना है समाज सेवा के संबंध में। तो महाराज सिंह जी, बताइए कि आपकी संस्था किस स्तर पर कार्य कर रही है। संस्था विगत 8 वर्ष से बड़ा व्यवहारिक ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में कार्य कर रही है। विगत कोरोना काल में भी संस्था ने राशन और अन्य सेवाएं करके ऐसे दुर्गम जगहों पर और असहाय लोगों तक पहुंची है। यानी कि आपने ये कोरोना काल में ये लोगों की मदद की है। जी, कोरोना काल में की है। विगत कोतवाल महोदय पुलिस प्रशासन ने संस्था की सराहना की थी। अच्छा अच्छा तो ये बताइए कि कोरोना काल में, जो इस समय पूरे देश में चिकित्सा को लेकर हाहाकार मची हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देवताओं, डॉक्टर्स को देवता के रूप में माना जाता है, और कोरोना काल में तो डॉक्टरों की नैतिक जिम्मेदारी धर्म के रूप में स्वीकार्य होनी चाहिए, लेकिन कई डॉक्टर्स ने मरीजों की जेबों पर भारी भरकम डाका डालकर उन्हें लंबे समय के लिए आर्थिक बीमार बना दिया और कर्ज में बांध दिया है, जो किसी भी निंदा से कम नहीं है। लेकिन इसके विपरीत कई डॉक्टर जसपुर क्षेत्र में, जिनको संस्था चिन्हित करने जा रही है और सम्मानित करेगी, जो बिना फीस लिए बहुत ही सफल और सरल आम जनता का इलाज उपलब्ध करा रहे हैं, वो प्रशंसा के पात्र हैं। सही मायने में वो देवदूत हैं। तो संस्था उन्हें, जो डॉक्टर सच्ची सेवा कर रहे हैं, उनको सम्मानित करेगी। जी हाँ, संस्था उनको चिन्हित कर रही है और बिना किसी चाटुकारिता के सच्चे लोगों को तलाश करके, जो आम लोगों तक एक सही इलाज, सस्ता इलाज, सफल इलाज पहुंचा रहे हैं, उनको सम्मानित करेगी, उनका मनोबल बढ़ाएगी, ताकि और लोग भी उनसे शिक्षा लेकर के और लोगों की जेबों पर डाका डालना कम करें। और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, इसके अलावा गोवंश पर मैं कहना चाहूँगा कि आज वर्तमान में लोगों ने अपने गोवंश के पशुओं को खुला छोड़ने की एक परिपाटी बना ली है, जो गलत है।